धर्म बदलकर धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ करता था बाबा अर्शीलाल हरकत। हिंदूवादी नेताओं को जानकारी होने पर थाने में की थी शिकायत। 151 में चालान कर बाबा छोड़ चुके, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने GM ऑफिस पर किया प्रदर्शन। पीड़ित महिला ने बताया कि किसी के कहने पर सट्टे का नंबर लेने वह भी बाबा के पास पहुंची थी। उसने खुद अपनी आंखों के सामने महिलाओं के गुप्तांग पर नंबर लिखते हुए देखा। केले में नशीला पदार्थ खिलाकर महिला के साथ किया जाता था अश्विलाल हरकत। कार्यकर्ताओं की मांग की धर्म बदलकर एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हिंदू बनाकर हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठा। क्या हुआ? मैं एक महिला को साथ में लेके गई थी वहाँ पर, तो जो यहाँ पे जो तांत्रिक जो बाबा है उसका नफरिस था। उसको मैंने ये बोला, मैंने भैया यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बोले कि यहाँ पे सबके भी लिए जाते हैं। तो मैंने कैसे क्या क्या किया जाता है यहाँ पर, तो उन्होंने ये बोला कि यानी जो महिला है उसके चेस्ट पे और जांग पे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सट्टा। हाँ, तो मैंने कहा ये कितने दिन में नंबर आता है, कैसा आता है कि ये 100% है। अगर हमारा भी काम भी अगर हो जाता है, अगर हमें पसंद भी आती है, तो हम उसके साथ में कर भी लेते हैं। किस तरह की महिलाएं और कितनी महिलाएं? उसको केला खिलाने के लिए बोला था। तो मैंने ये बोला, मैंने केला अभी नहीं इसको खिलाना कि नहीं, अगर आपको नंबर लेना है तो केला खिलाना पड़ेगा। मैंने उसको केला नहीं खिलाया, उसको बचा के वहाँ से निकल पड़ी। कहाँ पर होता है ये? जो आप गए थे? जी हाँ, मैं गई। क्या हुआ फिर वहाँ पर? वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने केला बोला, उसको नशा वगैरह आने लगा। मैं वहाँ से उसके बच्चे में ये बोला, मैंने अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ, मैं इसको थोड़ा चक्कर आ रहा है। नंबर के बारे में क्या बताया? उसको सट्टे के बारे में बताया था। अच्छा, कहाँ पे लिखते हैं नंबर? वो चेस्ट पे और जांग पे। अच्छा, क्यों? अब ये मेरे को क्या पता, चेस्ट पे जांग पे लिखते हैं तो नंबर आ जाए, किसी गरीब महिला है उसका यानी भला हो जाए। ये दो नंबर का काम है ना, इस तरीके से महिला को, गरीब महिलाओं को फंसा के और क्या ही है। अवतार सिंह गिल, विभाग अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। यहाँ पे ज्ञापन देना हम इसलिए आए थे, थाना एतमादौला, थाना एतमादौला के अंतर्गत चौकी पड़ती है नुनई। हमने चौकी प्रभारी और थाना एतमादौला प्रभारी को भी हमने सूचना दी थी कि भाई एक जो है नफीस नामक व्यक्ति है जो हिंदू बनकर देवी देवताओं की पूजा करता है, मूर्तियाँ रख के, भगवान त्रिशूल भी रखा हुआ है, डमरू भी रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ उसने मजार भी रखी हुई है। वहाँ पे हमको सूचना प्राप्त हुई थी और हमारी महिलाओं ने वहाँ पे जाके पता किया है, वो गुप्त अंगों पर नंबर लिखने का कार्य करता है और बहुत सी महिलाएं जो उसके शिकार भी हो चुकी हैं। वो महिला इसलिए नहीं बोलती है कि वो परिवार वाली हैं, बच्चे वाली हैं, अगर वो बोलेंगी तो उनका घर बिगड़ जाएगा। और ये हमको ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पे देखा कम से कम 10-15 महिलाएं बैठी हुई थी, कुछ महिलाएं ऐसी अटपटांग हरकतें कर रही थी जो पुलिस ने भी देखा और हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी देखा और इसको निकाला। और इन्होंने क्या करा, उस जो नफीस को जो उठाया था उसको 151 में चलान करके छोड़ दिया गया। जब इन्होंने अपने हमने अपने पास से तहरीर भी दी थी, प्रार्थना पत्र भी दी। चौकी इंचार्ज पैसे जा रहे हैं क्या मामला है? अभी आपने कहा था चौकी इंचार्ज, वहाँ पे एक सिपाही है रणधीर सिंह जी, इससे पहले उसी का कोई मिलने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको 2-3 दिन थाने बंद रखा गया और उसको तीस हजार रुपये देकर निकाला गया। हमको इसकी पुख्ता जानकारी है, हर चीज है हमारे पास में। के नगर का वो रहने वाला सिपाही है, वो नंबर लिखता है, वो नंबर देता है सट्टे के, उल्टे सीधे नंबर देता है, गरीब महिलाओं को फंसाता है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाता है। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? चौकी इंचार्ज का नाम मुझे नहीं पता है, ये कुछ इन्फेंट्री लाइन के राहुल जी है मेरे ख्याल। राहुल जी, आज आपकी क्या मांगा गया? 12 घंटे के अंदर अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो हमारी कोई महिला जो उससे पीड़ित महिला अगर वो आत्महत्या कर लेती है वहां पे, तो संपूर्ण जिम्मेदारी थाना प्रभारी एतमादौला चौकी इंचार्ज की होगी। जय श्री राम, जय जय राम।